हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए बहुत टेस्टी सी रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे आप लोग फेस्टिवल में बना के इसे खा सकते हैं। और ये बहुत इजी तरीके से बनाया है। अगर आप लोग मेरी टिप्स एंड ट्रिप्स से फॉलो करेंगे तो आप लोग का ये बहुत टेस्टी बनेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, टोन मिल्क लिया है हमने, 2 पैकेट हमने 1 लीटर लिया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसे हम लोग सबसे पहले एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ। और हमने गैस पे इसे चढ़ा दिया है और इसके एक उबाल आने तक का हम लोग वेट करेंगे। तब तक हम लोग विनेगर सिरप बना ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 2 स्पून विनेगर ले रही हूँ और 2 स्पून वाटर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें 2 स्पून हम लोग वाटर डाल दे रहे हैं। आप लोग चाहे तो लेमन से भी दूध को फाड़ सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम लोग इसे 3 मिनट ठंडा करेंगे दूध को। डायरेक्ट हमें नहीं डालना है फ्रेंड्स, एक उबाल आ गया था हम लोग के दूध में और हमने मीडियम आंच पे इसे पकाया था। तो चलिए मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ, तब मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए दूध हम लोग का ठंडा हो चुका है। 3 मिनट के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ सिरप। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सिरप डालेंगे और एकदम हल्के हाथों से हम लोग कल्चर को हिलाएंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा फट रहा है, थोड़ा और डाल देते हैं। और अगर आपका 2 चम्मच में ना हो तो आप लोग 4 चम्मच भी उसकी जगह ले सकते हैं, क्योंकि सबके चम्मच सेम साइज़ नहीं होता है। किसी के घर छोटे चम्मच होते हैं और किसी के घर बड़े चम्मच। तो मेरा ये 2 ही चम्मच में हो गया था फ्रेंड्स। तो ये देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, और अब आप लोग देखिए इसका एकदम हरा पानी जब तक ना निकले तब तक आप लोग ऐसे ही हिलाते रहिए धीरे धीरे। जब हरा पानी जैसे आपको दिखने लगेगा, ये देख सकते हैं, तो समझ लीजिए आप लोग। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने दूध को फाड़ लिया और हम लोग का पनीर भी बन के रेडी हो गया है। तो अब हम लोग इसे अलग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अलग कर लेते हैं इन दोनों को। तो यहाँ पे मैंने हैंकी लगाया और नीचे एक बाउल रखा है और सारा पानी मैं इसमें से छान ले रही हूँ। ये देखिए, हम लोग का छेना भी है और ये पानी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है फ्रेंड्स। अब मैं एक पोटली बना लूँगी और इसे ठंडे पानी, मतलब सिंपल पानी से अच्छे से वॉश करूँगी, क्योंकि विनेगर खट्टा होता है फ्रेंड्स। तो वो पूरा अच्छे से मैं वॉश करूँगी। तो ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ही दिखा रही हूँ, आप लोग एकदम अच्छे से कीजिएगा। और ये देखिए, इसे हमने एकदम अच्छे से निचोड़ा था। थोड़ा सा भी पानी नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, एकदम ड्राई हो जाना चाहिए। आप लोग चाहे तो इसे आधे घंटे के लिए रख भी सकते हैं, बट अगर आपको जल्दी है तो एकदम अच्छे से निचोड़िए। तो ये देखिए, हम लोग का ये छेना बन के रेडी है। और अब हम लोग इसे देखिए, ये देख सकते हैं कितना अच्छा छेना बना है। हम लोग इसे मैश कर रहे हैं, ये देखिए, इससे करना है हम लोग को मैश। तो चलिए कर लेती हूँ मैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप लोग आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पे एकदम अच्छे से हम लोग को मसलना है। कम से कम 10 से 13 मिनट लग सकता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, कभी कभी बहुत जल्दी भी हो जाता है और कभी कभी टाइम लगता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग। और जब तक हाथ में घी जैसा ना लगे आपको कि घी निकल गया है, तब तक आप लोग को इसे ऐसे ही मैश करते जाना है।
तो चलिए मैं कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग, मैं आपको हाथ दिखा रही हूँ, देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ऑयल जैसा लग रहा है और एकदम अच्छे से ये अभी हुआ नहीं है फ्रेंड्स। अभी हम लोग इसे और कर लेते हैं, ऐसे आप लोग रोल करके देखिएगा, अगर चिकना चिकना सा हो रहा है तो इसका मतलब आप लोग का ये रेडी हो गया है। बट अभी आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा ये नहीं हुआ है, एकदम थोड़ा दाना दाना सा लग रहा है मुझे, तो मैं इसे और अच्छे से कर लेती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, इसी चम्मच से हम लोग एक चम्मच इसमें मैदा डालेंगे, बाइंडिंग इससे बहुत अच्छी होती है फ्रेंड्स। ये देखिए नाप के मैं एक चम्मच डाल रही हूँ इसमें, और अब इसे भी हम लोग उसके साथ वैसे ही जैसे हमने पहले मसला था वैसे ही हम लोग इसे फिर से मसल लेते हैं। तो चलिए मैं इसे मसल लेती हूँ, सिर्फ 2 मिनट इसे मसलना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हम लोग ऐसे ही मसल रहे हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हम लोग मसल चुके हैं और ऐसे हम लोग बनाएंगे। ये देखिए, ये मेरी मम्मी शेप बना रही है फ्रेंड्स। अभी अभी मैंने मम्मी से ये शेप बनाना सीखा है, अब मैं आपको अपने हाथों से बना के दिखाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे एक और मम्मी बता रही है मुझे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा शेप बनाया है मम्मी ने। तो चलिए अब मैं बना लेती हूँ शेप, देखते हैं मेरा शेप कैसा बनता है। तो ये देखिए, ऐसे ही शेप मैं भी बनाऊंगी। ये देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं। तो यहाँ से लेते हैं थोड़ा, एकदम मसल मसल के हम लोग को बनाना है। ये देखिए, ये देखिए, अब इसे मैं शेप दे देती हूँ जैसे मम्मी ने दिया था उन सबको। ये देख सकते हैं आप लोग कितना इजी है इसका शेप बनाना। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप लोग की रेसिपी कैसी बनी। तो देखिए एक मैंने बना लिया है और ऐसे ही अब हम लोग सारे बना लेंगे। तो चलिए मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ देखिए चाशनी के लिए फ्रेंड्स हम लोग ने 1 कप चीनी लिया है और फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 4 ग्लास पानी लिया है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग बॉईल कर रहे हैं, एकदम उबलते हुए पानी में हम लोग इसे डालेंगे। ये देखिए, और जब तक वो ऊपर नहीं आएगा तब तक हम लोग दूसरा नहीं डालेंगे। तो देखिए वो ऊपर आ गया है और एकदम उबलते हुए पानी में आपको डालना है फ्रेंड्स। इसका फ्लेम आपको कम नहीं करना है, ध्यान से डालिएगा। तो ये देखिए वो ऊपर आ गया है और अब मैं डाल लेती हूँ दूसरा। ये देखिए, और ऐसे ही हम सारे डालेंगे। यहाँ आपको बहुत ध्यान देना होगा फ्रेंड्स, अगर आप लोग सारे एक साथ डाल देंगे तो फिर आपका अच्छा नहीं बनेगा। तो देखिए वो ऊपर आ गया था तो ही मैंने थर्ड वाला डाला है और एकदम पानी आप लोग देख सकते हैं उबल रहा है और धुआं भी निकल रहा है इसमें से। देखिए वो दोनों भी ऊपर आ गए हैं, अब मैं इन्हें डाल देती हूँ।
तो फ्रेंड्स देखिए, अब ये 3 मिनट ऐसे हम लोग खुले इसे पकाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसे ढक के 15 मिनट पकाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग खोल के इसे थोड़ा सा हिलाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसे 15 मिनट फिर से ढक के पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको आगे तक का सब बता दिया है और अब आप लोग वीडियो देख इन्जॉय कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग ढक दे रहे हैं, 3 मिनट हो गए थे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये देखिए 15 मिनट के बाद हमने इसे खोल के दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, कितनी अच्छी जाली बन गया है और डबल भी हो गया है साइज़। देखिए कितना फूल गया है और एकदम स्पॉन्जी बने हैं। मैं इसे थोड़ा सा हिला लेती हूँ, अलट पलट कर लेती हूँ जैसे दोनों तरफ से अच्छे से पके। ये देखिए, आप लोग कोई भी शेप बना सकते हैं। और फ्रेंड्स इसे रक्षाबंधन पे ज़रूर बनाइएगा, आपके भाई को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं उबाल एकदम आ ही रहा है। तो फ्रेंड्स इसे हम लोग थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, इसे मैं ढक देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, इस प्लेट में हम लोग निकाल लेते हैं, ठंडा हो गया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और अब हम लोग इसके फिलिंग, अंदर का जो हम लोग फिलिंग इसमें भरेंगे वो बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं एक ले लेती हूँ। यहाँ सबसे पहले मैं खोआ ले रही हूँ, खोआ मैंने होममेड खोआ है ये। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं आपको इसकी रेसिपी भी बताऊँगी। वैसे मैंने कुछ वीडियोज़ में अपनी खोए की भी रेसिपी शेयर किया है फ्रेंड्स। तो ये देखिए ऐसे खोए को मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं इसमें पिसी चीनी ऐड करूँगी। ये देखिए, और आप लोग इसमें इलायची भी डाल सकते हैं, और इसमें अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं तो आप लोग वो भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने चीनी ओनली डाला है। इसे एकदम अच्छे से मैं मिक्स कर ले रही हूँ। तो ये देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूंगी केसर। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें देखिए दूध में मैंने थोड़ा सा गर्म दूध लिया था, उसमें मैं केसर का ये डाल रही हूँ केसर। और इसे ऐसे डाल के थोड़ा थोड़ा करके हम लोग मिक्स करते जाएंगे। आप लोग चाहे तो फूड कलर भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने केसर डाला है, केसर से भी बहुत अच्छा कलर आता है। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डाल के हम लोग ऐसे ही मिक्स करते जाएंगे और अपनी क्रीम बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फिलिंग अंदर की हम लोग की बहुत अच्छी बन गई है और अब हम लोग फिल करेंगे उसमें। तो चलिए, तो ये देखिए यहाँ मैं एक ले लेती हूँ और इसे मैं बीच में से कट करूँगी। ये देखिए यहाँ से मैं कट कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया है, अंदर देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी हम लोग का बना है। और जब मैं काट रही थी तो रस पूरा नीचे गिर रहा था फ्रेंड्स। तो चलिए इसके अंदर का फिलिंग भर लेते हैं अब ऐसे खोल के। ये देखिए, फ्रेंड्स जो एक्स्ट्रा फीलिंग होगी आप लोग उसे निकाल लीजिएगा। ये देखिए अच्छे से ऐसे कर लेते हैं और इसके ऊपर आप लोग टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी। तो इसे मैं अभी ऐसे रख देती हूँ और इसके ऊपर मैं केसर लगाऊंगी और ये बहुत टेस्टी लगती है मुझे मिठाई, आप लोग इसे ज़रूर बना के खाइएगा। मैं इसे ऊपर लगाती हूँ टॉप पे। तो उसे मैंने जो हमने दूध केसर वाला था उसे भी मैंने थोड़ा सा लगा दिया था इस पर पहले से।
ये देखिए और अच्छे से केसर मैंने लगा दिया है और देखने से कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, एकदम लग रहा है बाजार की तरह। तो इस लॉकडाउन आप लोग ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ इसे इंजॉय कीजिएगा। तो चलिए अब मैं दूसरा वाला भी भर ले रही हूँ और फ्रेंड्स इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि मैं अभी आप लोग के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने दूसरा वाला भी भर लिया है, इसे भी हम लोग रख देते हैं और ऊपर से इसे भी डेकोरेट कर लेते हैं। और अब मैं बीच में से काट रही हूँ, थोड़ा सा मेरे से गलती कट हो गया है। तो देखिए हम लोग ने इसे अच्छे से कट कर लिया है और कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी रेसिपी है फ्रेंड्स। ये देखिए हम लोग ने सारे बना लिए और बहुत टेस्टी लग रहा है, आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा। तो फ्रेंड्स टेक केयर एंड बाय बाय, और इस रेसिपी को बनाना मत भूलिएगा।